अगली बड़ी खबर बता दें आपको, हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। याचिका पर 10 जून को होगी अगली सुनवाई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अंतरिम जमानत के लिए दायर की थी याचिका। और बता दें आपको, हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। ईडी ने जवाब के लिए वक्त मांगा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हेमंत सोरेन साल 2009 और 10 में इस जमीन पर जब कब्जा करने का आरोप लगाया, लेकिन इसे लेकर कहीं कंप्लेन दर्ज नहीं है। और वही एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के रेगुलर बेल पिटीशन पर 28 मई और झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की वैकेशन बेंच में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें तत्काल राहत नहीं मिल पाई है। ईडी ने इस मामले में जवाब दाखिल करने और पक्ष रखने और साथ ही जवाब दाखिल करने और पक्ष रखने के साथ साथ समय भी मांगा है। और कोर्ट ने ईडी को वक्त देते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 जून बताया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़ गया है। सूरज, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर से हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अब तक क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, अंतरिम जमानत को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि देखिए, इससे पहले जमानत को लेकर जो उनके जो वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी, याचिका को लेकर जो फैसले नहीं आए थे और याचिका खारिज हुई थी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट का रुख किया था। और हाईकोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत को लेकर जिस तरह से याचिका दायर की थी, और आज याचिका को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। और सुनवाई के दौरान फिर से एक बार 10 जून को समय निर्धारित की गई, यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि झारखंड हाईकोर्ट से भी फिलहाल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। सारा मामला रांची के बरियातू स्थित बड़गाई अंचल के लगभग 8.5 एकड़ जमीन से जुड़ा यह मामला है। जमीन में जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुए हैं, उस मामले के आरोपी है झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री, और फिलहाल अभी रांची के होटवार जेल में। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट से, उन्होंने आग्रह किया था कि मुझे चुनाव के दौरान मुझे जमानत दी जाए ताकि मैं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बाहर जा सकूं, लेकिन अब चुनाव का भी वक्त खत्म हो गया। ऐसे स्थिति में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिला। अब अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है। सूरज, लेकिन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया है कि जिन दस्तावेजों का दावा कर रही है ईडी और जमीन घोटाले की बात की जा रही है, उन दस्तावेजों में कुछ भी अभी तक बरामद नहीं हुआ है और ना ही ईडी के पास वो सारे दस्तावेज। देखिए, ईडी के पास ऐसे पुख्ता सबूत है, और ईडी पुख्ता सबूत के आधार पर आपने देखा कि अब तक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल के अंदर है। हालांकि देखिए, उनके वकील है कपिल सिब्बल, उनके तरफ से कई तरह के आरोप ईडी के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि ईडी बेवजह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। और जो तथ्य, जो जिस आधार पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, वो तथ्य सत्यापित नहीं हो पाई है, यानी अब तक उसे कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट सामने नहीं है, ऑथेंटिशियन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे का वकील लगा रहे हैं, लेकिन जो तथ्य ईडी ने कोर्ट को दिए हैं, उस आधार पर फिलहाल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है सूरज, वैसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या नहीं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज।